मुंबई का डब्बा वाला सिस्टम, अगर आपने मुंबई के बारे में सुना है तो दो तीन चीजें कॉन्वर्सेशन में हमेशा आती हैं, एक वहाँ का बॉलीवुड, एक वहाँ की लोकल्स और एक वहाँ का डब्बा वाला। हर रोज लाखों लोगों को उनके टिफिन डिलीवर करते हैं ये डब्बा वाला, उनके घर से कलेक्ट करके मुंबई के लोकल में और फिर उनके ऑफिस पहुंचाते हैं, फिर ऑफिस से वाया लोकल वापस उनके घर। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डब्बा वाले ऑपरेट कैसे करते हैं एंड विद द एडवेंट ऑफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी जोमैटो स्विगी इनके धंधे पर कितना असर पड़ा है। ये क्या है पीछे? अवार्ड्स है, जो भी हम सबको मिले ना वो सब अवार्ड्स है। ये वाला, ये गोल्डन जो, हाँ ये, हाँ जी, ये लता मंगेशकर का नरेंद्र मोदी के हाथ से हम लोगों को मिला है। दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान, मुंबई डब्बे वाला, मतलब मुंबई डब्बे अपना बाहर तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रखा हुआ। कला काफी खूबसूरत है ये, पकड़ो। नरेंद्र मोदी के हाथ से मिला है। अरे भाई क्या खूबसूरत है ये, बहुत बढ़िया। ये भी एक आश्चर्य वाली बात है मेरे लिए कि आप एक दिन में 2 लाख डिलीवरी कर रहे हो। मतलब टोटली दिन में 4 लाख ट्रांजेक्शन होता है। हाँ। तो फर्स्ट 2 लाख फिर आना, तो 4 लाख जो ट्रांजेक्शन, जो 2 लाख ट्रांजेक्शन है वो विद इन 4 आवर्स होते हैं ओनली। अब उसमें ये भी हो सकता है कि भाई कभी खाना कोई गिर गया या फिर ट्रेन लेट हो गई तो हम लेट हो गए, लेकिन ये फैक्टर होने के बाद भी स्ट्राइक रेट आपका इतना हाई कैसे है कि आपको 6 सिग्मा मिला हुआ है? Because of the 133 years experience. मतलब experience भी भाई ने बोलो, 133 साल की क्या बोल दूं मैं। अब लोग कहते हैं 5 साल 6 साल भी, यहाँ उन्होंने बता दी सीधी शताब्दी। 133 साल। Welcome to the Sunday Bharat series. 24 states in 2024. This is a journey to understand India. और इसके थ्रू देश का जो भी लेखा जोखा है वो 2024 इलेक्शन के पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें अंधेरी स्टेशन के बाहर, और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हर घर से डब्बा कलेक्ट करके ऑफिस पहुंचाया जाता है और इतना बड़ा काम इतनी एफिशिएंटली कैसे करते हैं। अच्छा सुनील भाई, सॉर्टिंग कैसे करते हैं अपन लोग? टिकट का हो गया। हाँ। उसके बाद में ये ग्रैंड रोड का, ये लोअर परेल का, ये दादर का, वो बांद्रे का और अंधेरे का। वो बांद्रा का और वो अंधेरी का, उनको कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है? नंबर कोडिंग है ना हमारा, नंबर जैसे 15B। हाँ ये परेल का है, परेल का, लोअर परेल 15B। मेरा ये आता है ना, उनका जे आता है। अच्छा आपका जे आता है, इनका एम आता है, ये तो 15 कोड है परेल का। हाँ, परेल। और जो अल्फाबेट है वो उसका जिसने टिफिन उठाया, उस डब्बा वाले का। बढ़िया। तो अभी आपको क्या करने का है कि आपको नंबर के हिसाब से लगाने का है और ट्रेन में चढ़ा देने का, तो बाकी वहाँ देखेगा। मेरे साथ चलो, मैं आओ, बिल्कुल चलो ना साथ में। अभी आप ट्रेन में चलेगा? बस बढ़िया है, अपने को पैसेंजर मिल गया अपन को। चलो हाँ चलते हैं। अभी क्या है, मैं यहाँ से डब्बा उठवाता हूँ उनका, लेकिन बिकॉज सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि मैं नहीं चाह रहा कि मैं एक डब्बा यहाँ वहाँ कर दूँ और फिर मेरी वाट लग जाए। तो चलो चलो चलो, बहुत फास्ट वाला काम है ना, ट्रेन भी एक दो मिनट हुई तो वाट लगी। अच्छा ये अंधेरी से अपना कितना डब्बा आता है? अंधेरी से 2-3 हज़ार लेके जाता है टिफिन। संदीप भाई आप कहाँ के हो? गाँव कहाँ है अपना? पूना। पूना? इधर किधर रहता? वर्षा में। वर्षों में तो ऐसे एक्टर वगैरह भी बहुत रहता है। मेरे बिल्डिंग में है उधर। आप ही की बिल्डिंग में? रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, वो सब रहते हैं उधर। अच्छा प्रियंका चोपड़ा तो अमेरिका। हाँ हाँ। कोई एक्टर वेक्टर का भी डब्बा आपने उठाया? शायद कपूर का भाई है ना, उनका मैं डब्बा लेके जाता था। अमरीश पुरी है ना, उनके बहन का लड़का है, उनका डब्बा लेके जाता था। मेरे को ऑटोग्राफ दिला देना।
से हो भाई? पूना से। कितने साल से कर रहे हो भाई आप ये काम? 10 साल से। सब लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस, 10 साल 15 साल। लो लो लो, ये गाड़ी से जाता हूँ, चलो गाड़ी आ गई, चलो। तो यहाँ पे हर स्टेशन से जो भी डब्बे वब्बे आए हैं वो सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखो, ये हमारा है ना, बोरो से आया है। ये लोग है ना बांद्रा में उतरेंगे, हाँ हम लोग लोअर पर जाएंगे, हाँ तो हमारा यहाँ डिवाइड हो जाता है। बोरो लेकर रहेगा ना, मैं लेके जाएगा मेरा उनके पास। बस नंबर देख लो कि कौन सा नंबर है। कोड नंबर है ना जो ट्रेन का डब्बा अपने डब्बे वालों के लिए होता है। डब्बा वाले के लिए। चलो, आपका ड्यूटी कहाँ खत्म होता है? हमारा 4:30-5 बजे घर पे हम लोग पहुँचे थे। खाली टाइम रहता है ना, तो हम लोग है ना टाइम पास करते, चाय भी पीते, टाइम पास करते, जो घर पे जाता है पार्ट टाइम जॉब करता है। इसमें अगर ऐसा भी तो होता होगा कि जैसे कभी ना कोई नंबर गलत बन गया? ये सुनील शिंदे का ऐसा है, वो हमारा लीडर है, ये भी हमारा लीडर है। कुछ हो जाएगा ना प्रॉब्लम तो ये देखते है। 14 लोगों पे एक लीडर होता है? दो रहते हैं हमारे भी। हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन। हाँ वाइस कैप्टन धोनी और रोहित शर्मा। धोनी और कोहली। हाँ। ना कस्टमर वगैरह कैसा रहता है? मेरा अभी कैसा है, मैं जिधर है ना टिफिन लेता है ना, हाँ। वो अच्छा है सर। मैं बात इतना करता है ना, हाँ। तो सब मेरे से है ना बहुत पसंद है। मेरे को कल एक आदमी मिला, मैंने उससे पूछा उनका नाम क्या है, कह रहा मेरा नाम वो है जिसपे मोदी का धंधा चलता है। मेरा नाम सोचो, तो मैंने कहा अमित शाह, तो कहता नहीं, कह रहा कमल। मैंने कहा अरे यार नीतीश कमल है। वो बीजेपी में गया है ना अभी, पॉलिटिक्स में इंटर सकते हो वही। कौन लगता है सबसे बढ़िया आपको? मुझे, मैं शिवसेना का है। शिवसेना का ना? उद्धव साहब का है। तो उद्धव साहब का है। हाँ। हमारा क्या मालूम है क्या, हम किसी पक्ष का पॉलिटिक्स नहीं करते। हम लोग, हमारे यहाँ काम करने वाले हर पॉलिटिक्स के बंदे हैं, लेकिन यहाँ अंदर आए तो पॉलिटिक्स छोड़ के अंदर आते। कहाँ से आपका गाँव कहाँ है? सब टेपन वाले का गाँव पूना है। कजिन है सब लोग, सगे सगे वाले है, तो इसने उनको लाया उनको। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि कोई मुंबई का भी होगा। जालना का है। जालना का। आपसे एक बात पूछूं, है ना, अभी ये डब्बा वाला मुंबई का ट्रेडिशन हो गया है, तो आप चाहते हो कि इसके आगे की जो पीढ़ी है वो भी उसको आगे लेके जाए? क्या उसमें इतनी कमाई है कि आप चाहोगे कि आपके बच्चे वगैरह भी इस लाइन में? कमाई है ऐसा कुछ नहीं, मेहनत करेगा तो पैसा भी है। एक न्यू जनरेशन हमारा है, मेरे ख्याल से तो 50% भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा। जैसे अभी हमारे पहले पूना का थे सब लोग, अभी दूसरी जगह से अभी आने चालू हो गए। हमारे जो कजिन है, हमारे जो बच्चे हैं, इम्पॉसिबल मेरे को नहीं लग रहा है कि आएगी। वो नहीं आएंगे नहीं, मगर टिफिन का धंधा तो बंद नहीं होने वाला है। जब तक मुंबई लोकल चलेगी अब तक डब्बा वाला चलेगा। मुंबई की लोकल है, वो मुंबई की बैकबोन है। जो ट्रेन चलेगी तो डब्बा वाला चलेगा। विदाउट ट्रेन हम कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर। अच्छा, नोटिस कर रहे हो कि ये कितने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब घर से डब्बा लेकर उसको ऑफिस तक पहुंचाने तक उनकी ग्राउंड पे भी एक टीम है और एक ऑफिस में भी टीम बैठती है जो सब कुछ मॉनिटर करती है। और ये डब्बा वाला बस इट्स नॉट अ रैंडम सेट ऑफ पीपल, इट्स अ प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इनको सिक्स सिग्मा मिला हुआ है, एंड व्हाट्स दैट, यू विल जस्ट लर्न इन अ बिट। बट ये समझना जरूरी है कि जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है ना, वही इनके सक्सेस का राज भी है। अब कैसे वो होता है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। और आप जानते हैं कि ऐसी वीडियोस में हमारे जब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आ जाते हैं तो उसको समझने के लिए हम राउज आईएएस स्टडी सर्कल की हेल्प लेते हैं। और ये जो डब्बा वाले का ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनको सक्सेसफुल होने में कैसे मदद करता है, अभी अपने क्लाउड किचन भी खोलने वाले हैं, ये हम समझेंगे अरुण भारद्वाज सर से, जो राउज आईएएस स्टडी सर्कल में सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस पढ़ाते हैं। जब भी हम डब्बा वाला के बारे में सुनते हैं, इट इज नोन एज अ मैनेजमेंट केस स्टडी। It is popularly known for its Six Sigma techniques, its delivery efficiency, its naming convention, etc. Magar ek aur perspective hai which makes Dabbawala model a very fascinating one, particularly when we look at it from a sociological perspective. Looked from a sociological lens, Dabbawala represents a community-led way of organizing casual labor or informal labor. जब भी हम अर्बन पॉवर्टी के बात करते हैं, वन स्ट्रैटेजी टू एलिवेट अर्बन पॉवर्टी इज सेट टू बी ऑर्गेनाइजिंग इनफॉर्मल लेबर। क्योंकि जब ऑर्गेनाइज करते हैं, इनकम सिक्योरिटी के साथ साथ सोशल कैपिटल भी डेवलप हो जाते हैं इन वल्नरेबल सेक्शंस में। सी, गिग इकोनॉमी इज वन वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इनफॉर्मल लेबर, कोऑपरेटिव मॉडल इज येट अनदर। डब्बा वाला रिप्रेजेंट्स जस्ट दैट, द कोऑपरेटिव मॉडल। द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव मॉडल आर फोर फोल्ड। नंबर वन, इट इज वॉलंटरी इन नेचर। Second principle is the collective action. Third principle is collective decision making, democratic decision making.
गिग इकोनॉमी में द पावर इज विद द प्लेटफॉर्म ओनर्स द सॉफ्टवेयर कंपनीज हियर द पावर इज विद द कम्युनिटी फोर्थ प्रिंसिपल इज एफिशिएंसी डब्बावाला हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोऑपरेटिव मॉडल येट इट हैज रिटेन्ड द एफिशिएंसी मोर देन द गिग इकोनॉमी द एफिशिएंसी ऑफ द गिग इकोनॉमी एंड देयरफॉर द कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ डब्बावालास इफ वी कैन रेप्लिकेट इन अदर डोमेन्स ऑफ कैजुअल लेबर से फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डोमेस्टिक वर्कर्स रैक पिकर्स और इवन स्ट्रीट वेंडर्स वी कैन अनलीश द पावर ऑफ द कम्युनिटी देयर बाय ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग डेवलपमेंट और ये लोगों भी ऐसा बनाया कि उसमें नहीं डब्बा तो है पर इसके अलावा मेन चीज है उसमें सिक्स सिग्मा तो सिक्स सिग्मा बेसिकली मींस 1, 2, 3 डिफेक्ट्स इन 5 मिलियन ट्रांजैक्शन दैट मींस 5 सिग्मा और 1, 2 डिफेक्ट्स इन द 1 मिलियन ट्रांजैक्शन दैट मींस 6 सिग्मा सो हमारा मोर देन 6 सिग्मा 60 लाख ट्रांजेक्शन वन मिस्टेक पहले 6 सिग्मा कभी मिला हम लोग को पहले ही मतलब जैसे मोबाइल नहीं था इंटरनेट नहीं था उससे अभी ये 6 सिग्मा बोला जाएगा तो हम लोग को 12 सिग्मा देना चाहिए क्योंकि हम लोग अभी मोबाइल आ गए ना तो गलती होती ही नहीं है 5 मिनट रुको बोलेगा ना तो 5 मिनट में डब्बा वापस कहते हैं ना एक चैलेंज आता है हर इंडस्ट्री में स्विगी हो गया जोमेटो हो गया वी फास्ट हो गया ये सब हैं ये अभी आ रहे हैं देखो कैसा है कि ये जो होम मेड है ऐसे ये घर वाला विश्वास का बात है उसमें प्यार होता है वही वो प्यार तुम लोग को हम लोग पहुँचाते हैं मेन रीज़न एक ही है कि उनसे हमारा कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि उनका हर पर किलोमीटर रेंज बढ़ जाता है और हमारा 60 to 70 किलोमीटर भी आप देखोगे जो वेस्टर्न लाइन है विरार का हम एक ही प्राइस सबसे चार्ज कर दें और वो भी बहुत चीप रहता है महीने का 1500 मतलब दिन का 50 रुपया और जो स्विगी जोमेटो है वो 60 to 70 किलोमीटर आपको डिलीवरी नहीं दे सकते वो उतने एरिया में डिलीवरी करते अभी आप तो देखो 7 दिन आप स्विगी जोमेटो का खाना खा सकते हो क्या जो जोमेटो वोमेटो वो अभी तक यहाँ से घुसे नहीं है और घुस भी नहीं सकते जोमेटो एक डिलीवरी कर लेगा लेकिन इतना डब्बा साथ में लेके ये चैलेंजेस तो पहले जब भी नए नए आए थे जब स्विगी जोमेटो आए थे तभी हम लोग को यही लगा था कि हमारा जो सर्विस है वो कम होते जाएगा पर जो मुंबई है मुंबई का भरोसा सिर्फ मुंबई डबोले के ऊपर है तो इसलिए वो अभी तक जो सर्विस है वो चालू है अभी तक टू स्मॉल क्वेश्चंस कि आप डब्बा वाला कितने टाइम से कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 to 4 इयर्स आई थिंक हमें तो अभी भी 6 महीना हुआ है एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीन वी कैन लीव अर्ली फॉर वर्क वी लाइक वी डोंट हैव टू वेट फॉर द टिफिन टू गेट रेडी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्यों प्रेफर करते हैं डब्बा वाला और घर का खाना हमारा टाइम पे पहुंचता है और घर का खाना पहुंचता है बाहर का नहीं खाना पड़ता है ना इसीलिए और ये इनका सर्विस प्रॉम्प्ट है हां वो लोग टाइम से पहुंचा देते हैं टाइम पे आते हैं कोई भी चेंजेस रहेगा तो अपने को एडवांस में बता दे कोई छुट्टी आया या लेट हुआ कुछ भी हुआ तो एडवांस में बताते हैं आपको जब आप कंपेयर करते हो स्विगी जोमेटो से सो लाइक व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस सिस्टम ऑनलाइन फूड इज गुड ओनली ओकेजनली Swiggy and Zomato is like outside food that you can't have daily. ठीक है सर, thank you so much. कोविड आया था, तब तो अपन लोगों को बहुत समस्या क्योंकि काफी काम थे जो एकदम ठप पड़ गए, है ना? जिसमें से स्कूल एक था कि स्कूल अब हो गया तो टीचर बैठे हुए हैं घर पे, उन्होंने तो फिर भी जूम क्लास कर लिया, ऑनलाइन ले लिया, अपना काम तो ऑफिस ही पूरे बंद हो गए, तो अपना तो पूरा ही ठप पड़ गया होगा। 6 महीना तो लॉकडाउन चला था, तो 6 महीना वो व्यक्ति जो 2000-3000 महीना का बचा पा रहा है आपके व्यवसाय में, कैसे चला फिर? क्या है, कुछ बचा हुआ थोड़ा सेविंग होता था यार, उसमें गुजारा किया। और उसमें सब टिफिन सर्विस बंद हो गया था, सब भूखे मरने की परिस्थिति आई थी। खेती बाड़ी रहता है, वो सब गांव में गए थे, तो मजदूरी करते थे, किधर वॉचमैन गिरी करते थे। कस्टमर लोग ने बहुत हम लोग को सपोर्ट किया, जैसे हम लोग गाँव में थे तो हम फोन करते थे मैडम ऐसा कुछ है, तो वो लोग पैसा भेज देते हम लोग को। जैसे कस्टमर ने जो पगार देना बिना काम का पगार दिया है, कस्टमर देवता है हमारा। तो ऐसे भी होंगे जो मतलब कर गए फिर उसके बाद शायद व्यवसाय में वापस नहीं आए। बेसिकली वो समझो एक कंपनी में काम को अच्छे जॉब मिल गया तो फिर यहाँ से उधर अच्छा पेमेंट मिलेगा तो वो उधर ही सेटल हो गया ना। और इधर इतना काम भी नहीं है ना, अभी 50% ही काम चालू हो गया है। बिफोर कोविड था तो हम लोग डेली डिलीवर करते 2 लाख लंच बॉक्सेस, बट आफ्टर कोविड नंबर गेट रिड्यूस 1 लाख के आसपास आ गए।
मतलब एक सेकंड, आपने बताया 2 लाख और फिर 1 लाख, 50% कम। तो कोविड में ऐसा क्या हुआ? कोविड ऐसा एक मेन रीजन है कि उसमें कम हुआ, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था, तो कुछ कुछ का तो अभी भी चल रहा है, तो उसके वजह से वर्क फ्रॉम होम के टाइम फिर टिफिन का तो रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो उसके हिसाब से कम हो गया। के अलावा कोई अभी सुनामी आने दो या फिर कोई वो सब आ गया तो भी हमको कुछ तकलीफ नहीं था, पर ये कोविड ऐसा है कि जो ग्रेट इफेक्ट हो गया। पिक्चर विक्चर देखते हो आप? पिक्चर मोबाइल में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। कौन सा सबसे बढ़िया आपको एक्टर कौन लगता है? प्रकाश, मैं खुद एक्टर हूँ। एक्टर एक्टर धर्मेंद्र पापे। धर्मेंद्र सुसाइड। आई एम ए स्पोर्ट्समैन। यू स्पोर्ट्समैन, क्या खेलते हो आप? क्रिकेट। क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। सबसे बढ़िया क्रिकेटर कौन लगता है? सचिन तेंदुलकर। ये ना, ये लड़ाई ना हमारी आपकी जनरेशन में हमेशा रहेगी। हम बोलेंगे कोहली, आप बोलना तेंदुलकर। कोहली तो यार चलते रहेगा ऐसे आस्ते आस्ते, मगर तेंदुलकर तेंदुलकर सचिन सचिन। कोहली कोहली बोलता है क्या? कोहली कोहली। अरे कोहली बोलेगा तो मछुआरा है। आप बेटा समझ के नाराजगी जता लो, लेकिन कोहली भी तैयार चल रहा है। अरे नहीं नहीं, हमारा लोअर परेल स्टेशन आ गया है। लेरी से चढ़े थे सारे डब्बे, स्टेशन के हिसाब से हमने उनको बांध दिया है। अब जो लोअर परेल पे डब्बे उतरने हैं वो संदीप भाई के साथ अपन लोग लेके उतरेंगे। अब इसका कितना वजन हो जाता है? 25 किलो। 30 किलो आए थे। 20 किलो 25 किलो। अरे बहुत हो जाता है यार। आसम में भी डब्बा वाला। और कितना कमाई हो जाता है? 19,000-20,000 मिलता है महीने का। 19,000-20,000। हाँ, पहले कोरोना के पहले कितना मिलता था? कोरोना के पहले 22,000 मिलता था। कोरोना में 2 साल है ना, मैं गांव में था, लोनालो में, पुणे में कंपनी में काम कर रहा था। उसके बाद अभी ये चालू हो गया ना, तो वापस इधर आया नवम्बर में। अभी अपना अच्छा चल रहा है। अभी ये हो गए, पार्ट टाइम भी जॉब कर रहा है, सुबह दूध डालता है, पेपर डालता है, ये भी काम चल रहा है अपना। नमस्कार भैया। अंकल जी पहले बस मुझे इतना बता दो, ये मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि कैसे अपन लोग समझते हैं कि कहाँ से डब्बा उठाए। जैसे ये है, ये मलाड का डब्बा है, ये मलाड का डब्बा है, एम लिखा है ना इसमें, 8CNG0। ये हमें पता है कि कहाँ डिलीवर करना है। ये CNG कंपनी में जाएगा, 8 नंबर 0 माला है ना, मलाड से आया है। ये क्या लिखा है? A110 का परेल का नंबर है। क्या नंबर है ये? इधर स्टेशन का नंबर है, परेल स्टेशन। क्या नंबर, कितना नंबर है ये? 14 नंबर। 14 नंबर, अच्छा ये 14 लिखा है। ठीक है, समझो मैं आपका शिष्य हूँ, ठीक है, बताऊंगा सही सही बात है कि नहीं बताना, ठीक है। 16 में जाएगा, ठीक है, ये 8वें माले पे जाएगा FM, है ना। और ये 8P क्या है? वो बोरीवली गए। ये बोरीवली, ये बोरीवली से चढ़ा है। हाँ, और ये पी नंबर का बंदा लेके आया। हाँ, तो सेगमेंटेशन इतना परफेक्ट है कि घर से कौन सा बंदा लेके आएगा, किस स्टेशन पे चढ़ेगा, किस स्टेशन पे उतरेगा, उस स्टेशन से कौन सा बंदा लेके आएगा, कहाँ डिलीवर करेगा और किस माले पे डिलीवर करेगा, हर चीज़ मार्क्ड है डब्बे पे ही। तो कभी कन्फ्यूजन होने का चांस ही नहीं है, और कन्फ्यूजन अगर बाई चांस हो भी जाता है तो आपस में कोऑर्डिनेट करके उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये राज है डब्बे वालों के एक्यूरेसी। हमारा जो प्रोजेक्ट है अभी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, वो हमारा सेंट्रलाइज किचन के नाम से। अच्छा, तो वहाँ पर कैसा होगा कि हम खुद खाना बनाएं, क्योंकि अभी बहुत सारे
मुंबई में आते थे जो भी पढ़ने आते थे, कुछ काम करने आते थे, पर उनके पास उनकी फैमिलीज नहीं रहती थी, वो अकेले रहते थे, तो उनका टिफिन कौन बनाएगा? तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है कि हम हमारा सेंट्रलाइज किचन स्टार्टअप करने वाले, तो उसमें हम खुद खाना बनाएंगे और डब्बा वाले के थ्रू डिलीवरी करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट। हाँ ये अच्छा है, मतलब ये। और फिर एक बार हमारा मुंबई में सेटअप हो जाए पूरा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट ये बांद्रा स्टेशन पर आपको बांद्रा, तो हमारा वहाँ पर म्यूजियम भी बनने जा रहा है अभी नेक्स्ट टू 6-7 मंथ में। जरूरी है। तो म्यूजियम में हम क्या है कि जितना भी हमारा हिस्ट्री है, जो भी टूरिस्ट आएंगे वो देखना चाहेंगे तो सीधा म्यूजियम में देख सकते हैं, वो भी डिजिटली थ्रू पूरा। आप क्या करते हो यहाँ पर? नहीं नहीं वैसे आप लाइक एजुकेशन में? हाँ एजुकेशन में, मतलब मेरा 12th कम्प्लीट हुआ और मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपका बस 12th कम्प्लीट हुआ? मुझे अभी पता लग रहा था कि ये पक्के में कोई ना कोई ग्रेजुएट बोलेंगे कि मेरा यहाँ से, उसके हिसाब से तो काफ़ी कहते हैं ना हिंदी में मेधावी। तो ये बेसिक स्टोरी है जो मुंबई का डब्बा वाला है, विच इज़ नाउ सो इंटीग्रल टू मुंबई कल्चर, उसको हमने कवर किया। और एक चीज़ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी इज़ दैट बहुत मेहनत का काम है ये, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो है ही, आप भागे दौड़ी करके यहाँ से डब्बा वहाँ पहुँचाना है, सबको डोर स्टेप डिलीवरी करनी है और वह सबका डब्बा वापस लेके भी आना है। संदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटी सी जर्नी में मेरे को पार्ट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, मज़ा आया है ना। और सैल्यूट है आपको कि आप इतना मेहनत करते हो और सबसे खाना हमको पहुंचाते हो। तो संदीप भाई का मैं नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। संदीप भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लोगों को खाना खिलाते हैं, तो अगर आप इनको कुछ फाइनेंशियल, कुछ मॉनिटरी, कुछ सपोर्ट, कुछ भी ना, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ टोकन ऑफ लव, द नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डू दैट। ऐसी ही और वीडियोस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट कल्चर्स हम आपके पास लेते आएंगे इन द संडे भारत प्रोजेक्ट। प्लीज़ कीप फॉलोइंग द प्रोजेक्ट, कीप लाइकिंग द वीडियोस, सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग, जो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।